जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम्हार जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संकीर हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूका सब सोग संतापे। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। हो सिफत सम दे नूर अरसों कुरसों चटिया। उद रिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा साह। जिस पास बैठियां सो ही है सबना दा वेसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। पै विच पवन वह सदवाओ। पै विच चल लख दरियाओ। पै विच अगन कड़ा बेगार। पै विच धरती दबी पार। पै विच पवन वह सदवाओ। पै विच चल है लख दरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारे गुरु रूप साध संगत जी आवड़ भागे हो जो सतगुरों की पावन गोद विच बैठ के अलाहे बाणी रब्बी बाणी श्री सोदर राय रासा जी के पाठ सरवण किए हैं। उस तो उपरंत आप जी ने गुरु प्यार की रचना तो पावन गुरबाणी के शब्द कीर्तन सरवण किए हैं। अपने जीवन सफल बनाया है जेडे सवास सतगुरों की पावन गुर बैठ के असी बतीत करते हाँ इन्हों सवासा की कीमत पैंदी है। ये सवास साढ़े सफल हैं। ये घड़िया सफल हैं जड़िया घड़िया सतगुरों के पावन गोद बैठ के सतगुरों का पावन उपदेश ग्रहण किया जाता है। बाकी संसार के आप सारे जीव धंधे करते हाँ कारोबार करते हाँ लेकिन जिस कारोबार विच जिस कार्य विच तुसीं बैठे हो इस बारे सतगुरु जी पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए। आहर भाव काम जॉब कारोबार सतगुरु सारे करते हैं। आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए। लेकिन जेड़ा आहर करने वास्ते मनुखा देह मिली है उस आहर बारे नहीं ख्याल करदा कल जुगी जीव त
धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का पावन बचन आप सोधर रह सुनते पढ़ते हाँ काहे रे मन चित महे उदम जा आहर हर जीव परया ऐ जीव तू संसारक कारोबार करने वास्ते बड़ा उद्यम करदा है काहे रे मन चित महे उदम हे मेरे मना तू संसारक धंधे करने वास्ते बड़ा उद्यम करदा है बड़ा विचार करदा है काहे रे मन चित महे उदम जा आहर हर जीव परया जिस आहर करके तू उदम करदा है ते आहर परमात्मा दा है तेनू रोजी देनी तेनू रिजक देना ए ता परमात्मा दा फर्ज है ए उन्ने कृपा करनी है लेकिन जिन्ने भी जीव पैदा किते मेरे मालक ने सारे नी संभाल आप करदा है इसे तरह गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे भाई जेडे आहर परमात्मा ने आप करने हैं सारे जिया नूं रिजक देना है ये उदा फर्ज है उदा बिरद है उदा सुभाव है जदों तो उन्ने संसार नूं पैदा किया है उदों तो ही सारे संसार की पालना कर रहा है कि आप पालनहार है काहे रे मन चित महे उदम जा आहर हर जीव परया सैल पत्थर में जन तो पाए तां का रिजक आगे कर धरिया उस परमात्मा ने पत्थर विच वी जिहड़े जीव पैदा किए हैं उन्हां नूं वी परमात्मा रिजक दिंदा है पत्थर दे विच वी रिजक देण वाला है ते सतगुरु कहिंदे तू क्यों ऐसा चिंता करदा है तू आज लगा रहना जुड़िया रहना है खचत रहना है लेकिन वह आहर जिन्हों जिस आहर करके तेनों दरगाह जिस आहर ने तेनों तेरी सहायता करनी ही तू इस संसार से आया केवल परमात्मा का नाम जपन वास्ते ये आहर वास्ते तेनों मनुखा देह मिली है भई प्राप्त मानुख देह रिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज केवल नाम सतगुरु कहिंदे जिहड़े बाकी दे कारज होण तेरे इस दरगाह च तेरे काम नहीं आउणे लेकिन यही कर्म है जिहड़ा संगत विच आ के सतगुरु दी पावन हजूरी च आ के गुरु दी बाणी नूं सरवण करना गुरबाणी ज्ञान करनी सेवा करनी यह दरगाह विच कारज जिहड़ा काम आउंदा है सतगुरु कहिंदे ऐ जीव तू बाहर दे संसार धंधिआं च खचत है जेड़ा कर्म करन वास्ते तेनू मनुखा देह मिली आ ओह तू कीता नहीं ते महाराज पुछे महाराज सच्चे पातशाह असीं कलजुगी जीव हाँ सानू केवल बाहरी संसार धंधिआं दा सानू पता है असीं बाहर दे कारोबार करन वास्ते बड़ियां बड़ियां असीं डिप्लोमा हासिल करदे हाँ डिग्रियां हासिल करदे हाँ लेकिन जिस आहर बारे तुही कहंदे हो सानू उहदे बारे दसना करो किहड़ा आहर है जिहड़ा इक है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਮਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੂ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਹਰ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਮਾਰਗ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਾਲ ਖਾਏ ਪਛਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤਰੁੱਠ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਫ ਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਰੂਪੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਾਪ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰਕ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਪ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਫ਼ਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ,
तेनू आत्म जीवन मिले जिहड़ा सदैव काली है। ते सतगुरु पावन बचन गुरदेव दा की कहिंदे हन, सो जीविया जिन मन वस्या सोए। असल विच ओह जीवन आ जिहदे अंदर परमात्मा दा दी याद है, सिमरन है। सो जीविया जिन मन वस्या सोए, नानक और न जीवै कोई। सतगुरु कहिंदे भाई जिन्हां दे अंदर हिरदे च परमात्मा दी याद है, सिमरन है, बंदगी है, ओह जीवन है। जे परमात्मा दी याद नहीं हिरदे विच ते समझ लो भी ओह जीवन नहीं है। नानक और न जीवै कोई, सतगुरु कहिंदे होर जीवन नहीं है परमात्मा दे नाम तों बगैर। इसे तरह सतगुरु कहिंदे भाई उदम करके गुरु दा दर ते आउण वालिआ तू जीदा रहो, तू आत्मक जीवन तेन प्राप्त हो। सेवा दिखती तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने जेडे गुरु के दर से आते हो। उस तो उपरांत सतगुरु अगली अगला बचन भी किया, फिर की क्या, उदम प्रेंद्या जियो तू कमाम दिया सुख पुंच। फिर आके आप गुरु का शब्द सुनना है, कीर्तन सुनना है, कथा सुननी है, गुरबाणी सुननी है। सुन के की करना है, जो सतगुरु ने उपदेश दिता, जो सतगुरु ने साडे ते कृपा ग्रहण करके गुरबाणी साडे मतलब कन्ना तक पहुंचाई है, वो उन्हूं कमाउणा, कमाई करनी, उन्हूं उपदेश नूं अपने हिरदे दृढ़ करना कि सतगुरु ने जो कहा उन्हूं कमाउणा। उदम करिंदिआ जीओ तूं कमाम दिआ सुख पहुंच। जे कमाई करेगा गुरु दे उपदेश दी ते फिर की प्राप्त होगा। सतगुरु कहते तेन सारे सुख, इस लोक दे भी ते परलोक दे भी। सब तो वड्डी गल ते परलोक दे सुख दी है। संसारिक सुख तो अज है, कल नूं नहीं, पर इह तां तुच्छ है। गुरु की शरण विच आउण वाले वास्ते परमात्मा ने यह संसारी सुख देने तो तुच्छ है। जिहड़ा परलोक का सुख है सदीवी सुख है। इसे तरह भाई सतगुरु कहिंदे आ उदम करके आण के जदों गुरु का उपदेश ग्रहण करेगा, दृढ़ करेगा, गुरु दे उपदेश नूं अपने जीवन ते ढालेगा, ते फिर तेनूं भाई सुख की प्राप्ति होगी जिहड़ा सदैव काल लई रहण वाला सुख है। इस तों अगे फिर कहता सतगुरु तीजा वचन फिर कह दिता कि उदम करिंदे आ जियो तूं कमाम दिया सुख पुंच, ध्याए दिया तो प्रभु मिल। गुरु का उपदेश ग्रहण करके दृढ़ करके तो जे तू परमात्मा नाल जुड़ जावेगा, तू सिमरन करेगा उहदा सवास सवास, फिर की होगा। सतगुरु कहिंदे तेनू परमात्मा की प्राप्ति होगी, काल पुरख वाहिगुरु तेनू दा मिलाप होगा तेरे नाल, ते फिर होर की होगा। तो सारियां चिंतावां खत्म हो जाणगियां। सतगुरु कहिंदे हुण मैं दुबारा पंक्ति पढ़दा, सरण करियो ते नाल नाल अर्थां दा पता लग्गे, पता लगदा सतगुरु की कहिंदे आ। उदम करिंदिआ जियो तूं कमाम दिया सुख पुंच, ध्याए दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिन्ह। इन्नियां बख्शां करदा मेरा मालक जिहड़ा गुरु दे दर ते उदम करके आउंदा। उदम करके आके फिर गुरु दा उपदेश ग्रहण करदा, अपना जीवन ढालदा, फिर गुरु दे उपदेश दे मुताबिक परमात्मा दा सिमरन करदा, स्वास स्वास नाम जपदा, उठ बैठ सोत नाम। इसे तरह फिर सतगुरु कृपा करते रहमत करके फिर परमात्मा की मिलाप करा दिता है। इनिया बख्शा करता मेरा मालिक। सो सतगुरु कृपा कर रहमत करे जिता तुम उदम करके आते हो, तो सतगुरु सारिया बख्शा देने वाले तो सतगुरु हैं। जो सतगुरु कृपा कर रहमत करे जिस तरह सतगुरु सानू कृपा करके उदम बख्शिश करता है, तो इसे तरह कृपा करके रहमत करके सानू उपदेश की कमाई करने की भी बख्शिश गुरु ने करनी है। आपां अरदास करनी है, यह भी अपना जतन नहीं है, लेकिन एक अरदास है गुरु के सिर को। गुरु अगे अरदास करे तो फिर गुरु की नहीं कर सकता। बिरसी कर देना हो गई जन की अरदास, जन बन के अरदास करे, नमाणा होके, नेताणा होके, फिर गुरु कृपा करता रहमत कर दिता है। सतगुरु कृपा कर रहमत करे, असं गुरु अगे सदा वास्ते अरदास करिए कि सतगुरु कृपा कर रहमत करके पहला उदम बख्शिश करो, फिर उपदेश बख्शिश करके सानू उपदेश की कमाई करने का भी उदम बख्शिश करो, ये भी समत बख्शिश करो। फिर कृपा करके रहमत करके आपके उपदेश के मुताबिक अं स्वास स्वास तेरे नाम ना जुड़े रहिए, परमात्मा के चरणों में जुड़े रहिए। ये गुरु ने कृपा करनी है।
दर से आके भी जोदड़ी करनी है, अरदास करनी है, फिर सतगुरु कृपा करेगा। जो आप नेता प्रति सतगुरु के पावन हजूर च बैठ के हाजिरी भरते हो, सतगुरु कृपा करते हैं, रहमत करते हैं, अमृत वेले तो प्रकाशमान होके सतगुरु जी सारी दिहाड़ी 24 घंटे अपने सेवकां नूं सिखां नूं उपदेश बख्शिश करते हैं। सो इस तरह आप सामा के सुंदर दवाना विच रह रास तो उपरंत कीर्तन नाल जुड़े हो। इस तरह सतगुरां ने जिस तरह मैं तुहानूं पहला बेनती की है कि आहर सब करदा करे, आहर इक ना होए, तो सतगुरां इत्थे आहर दे कीर्तन बारे भी दस्या कि कहड़ा आहर करना है। मन में चितो चितमनी उदम करो नीत, इत्थे फिर उदम की गल की है, मन च विचार करने की गल की, कि विचार करनी उदम की करना है, तो गुरु अगे अरदास करनी है, अमृत वेले उठ के गुरु अगे जोदड़ी करनी है, मन में चितव चितमनी उदम करो उठ नीत, फिर गुरु नु की बेनती करो, हर कीर्तन का आरो हर देव नाम के मीत, हे काल पुरख वाहिगुरु सानू अपनी कीर्ति का आहर बख्श दे। जिथे आप जॉब मंगते हैं ना, चंगी जॉब मिल जाए, चंगा काम मिल जाए, चंगा कारोबार मिल जाए, उस नाल ये भी कहिए सतगुरु कृपा ग्रहण करे करके ते अपनी कीर्ति भी बख्श देवो, तेरे चरणा जुड़े रहिए, तेरी सिर सलाह जुड़े रहिए, ते जिन्हां ते गुरु कृपा कर देगा ना अरदास सुनदे सुनदा करांगे तां ही ना, अरदास ही नहीं करांगे साड़ी चाहना नहीं होएगी ते फिर गुरु की करेगा, फिर गुरु नूं की दोष है। इसे तरह भाई आप गुरु अगे जिथे आप होर दाता मंगते हैं उत्थे गुरु तो ये सिर्फ सलाह की दात ही मंगी, तो जिन्होंने गुरु कृपा कर दिता सिर्फ सलाह दे दिता, फिर उन्होंने सतगुरु कहते भाई जिसने बस सिर्फ सलाह नानक पातशाह ही पातशाह पातशाह का पातशाह जिन्होंने गुरु कृपा कर ग्रहण करके नाम की दात दे दे, सिर्फ सलाह की दात दे दे, तो सतगुरु कृपा ग्रहण करे साढ़े कृपा करे सतगुरु जी सब देख दे रहे आप सरवण करना करो जी। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 464 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਭੈ ਸਹਿਤ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਸੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ। ਇਹ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਟਸ ਦਾ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਟੋਟਲ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਸ ਦੀ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ।
हवा एक इंच भी नहीं चल सकती, ये केवल परमात्मा के भय विच है। हवा जिहड़ी वग रही है ना, यह परमात्मा के भय विच। इस तरह जिहड़े असीं साह लै रहे हैं ना, यह भी हवा राही है ना, यह भी परमात्मा के भय विच है। यह भी परमात्मा आप ही कृपा कर रहा है। देखो परमात्मा ने जीव नू मनुख नू शरीरक जीवन वास्ते भोजन पानी ते हवा तीन चीजा ते डिपेंड करता साडा शरीरक जीवन, भोजन पानी ते हवा। लेकिन भोजन परमात्मा ने जिन्ना क जीवन चाहिदा ना, उस बहुतांत कई गुणा वध परमात्मा भोजन अनाज पैदा कर दिंदा है। बहुत सारा अनाज नष्ट हुंदा है, खाण तो वध जांदा जीवन। बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं, सरकारा ने बड़े बड़े गोदाम भरे हुए, घर भी लोगों ने अपने घर काफ़ी अपने तादाद अनाज तो रखा होंगे। हम इतों का चलो सिस्टम हो रहा, इंडिया में तो सारे ने हर एक ने साल साल की डेढ़ दो दो साल मतलब ड्रम भरे होंगे कणकों के नाल। इस तरह जो परमात्मा ना उन्हें भोजन का बहुत सारा प्रबंध किया हुआ जीवन वास्ते, तो पानी अजे भोजन का कुछ समा बंदा जीवित रह सकता। जिस तरह पिछे गुरबंत सिंह ने रखी हड़ताल, तो उन्हें लम्मा समा जोड़ा प्रशादा नहीं छकया उन्हें, पर पानी तो पीता रहा। पानी तो बगैर तो इन्ना चिर नहीं कढ़ सकता। हम रोटी तो बगैर बंदा 75 दिन कढ़ सकता लगभग, क्योंकि दसन सिंह पेरूमान ने भुखड़ता रखी तो उन्हें 75 दिन कढ़े, 75 दिन शहीद होया चढ़ाई की उन्हें। मेरा कहने का भाव कि परमात्मा ने जिहड़ी चीज़ ज़्यादा लोड़ आ उन्हें उदू ज़्यादा पैदा किया होया। जे पानी ना लंबा समा बंदा नहीं पानी चमका रह सकता, तो परमात्मा ने पानी तीन हिस्से पैदा किया संसार, धरती एक हिस्सा तो पानी तीन हिस्से है। इस तरह उदू उपरंत हवा ऑक्सीजन है, यदि तो कोई तादाद ही नहीं है ना, यह कि है ये तो पानी तो कुछ नहीं, ये गाड़ी हवा गाड़ी का। मेरा कहने का भाव परमात्मा ने जिस श्वास एक ना आया तो बंदे की जिंदगी शरीरक मौत है, तो परमात्मा ने वो श्वास वो हवा पौन परमात्मा ने पैदा की हुई है। पंजे तत् परमात्मा ने पैदा किए हैं जिन्हें करके साड़ा जीवन है। इस तरह सतगुरु कहते भाई जरा परमात्मा ने श्वास दिते है ना, एक तो भोजन परमात्मा ने पैदा किया तो इंसान ने उन्हू प्राप्त करके तैयार तो करना पैदा ना, इंसान छकन वास्ते पाना पवेगा, पानी के सोमे ते जाना पवेगा, पानी प्राप्त करना पवेगा, ता ही अं पानी पीवेंगे ना। लेकिन जोड़ा श्वास है ये तो प्राप्त करने की लड़ नहीं पीती ना स्टोर करने की लड़, बाकी हरेक चीज़ आप स्टोर करा, पानी स्टोर कर लीने बोतल तो ही पहला घर रख लेंगे मतलब बंडल बंडल। लेकिन जी हवा वा ये तो कुछ स्टोर नहीं करता, जे ये भी कितने स्टोर करनी पवे तो फिर आप कर सकते हैं। उस तो अगे मैं होर बेनती करा कि जिस तरह भोजन शरीर की खुराक है तो भोजन आप प्राप्त करने का यतन करना पैदा इंसान, फिर जब प्राप्त करके तो पता खाने का भी यतन करना पैदा, बुरकियां तोड़ के खाना पैदा, उन्होंने चिथना पैदा, पानी भी पीने वास्ते पानी के सोमे से जाना पवेगा, जा पानी लिया के प्राप्त करके पीना पवेगा, पीने का यतन करना पवेगा। ये दोनों जोड़े शरीरक जीवन है ना, ये तो आप कुछ ना कुछ यतन करना पवेगा ना, क्यों परमात्मा हाथ दिते हुए हैं शरीर दिता हुआ। पर जी तीसरी गल हवा की है ना, श्वास की है, जिस तरह सतगुरु के भै विच पौन वह सद वाव, इस तरह जो हवा श्वास है ये तो इंसान आप यतन करके लैन की लड़ नहीं पीती, ये तो सोते परमात्मा दे रहा ना श्वास, श्वास तो कोई यतन करके नहीं लेगा। जो श्वास भी यतन करके लेना पवे तो आप सौवे कदों मान कदों करा, सुता पै श्वास यतन लगेगा बंदा। प्रशादा तो आप जागत वास्ता भी सकते हैं ना, पानी भी जागत वास्ता भी सकते, जे रात में तेल लगे तो आप उठ के सकते हैं ना, कोई सुते पे छक लीजिए पानी का, पानी लौट पवे सुते पैया उठे जाग आती है उठ के छकते हैं। पर जो श्वास भी इतना लेने पैण तो आप सौवे कदों मान कदों करा, तो श्वास तो सुते ही आते, आप गल भी करी जाइए आप किरत भी करी जाइए तो श्वास जेड़े ऐटोमैटिक परमात्मा दिता है, श्वास तो आप नहीं लिया, ये परमात्मा के हुक्म है। श्वास भी जेड़े आ परमात्मा के हुक्म आप लै रहे हैं, आप नहीं लै रहे,
जिन्ना चिर मेरा माल कृपा करके सानू स्वास देवेगा अही स्वास स्वास ये शरीर जीवन च रवांगे जो परमात्मा ने स्वास ना दिते तो साड़ी मृत्यु हो जानी उस वेले। इस करके सारा कुछ ही परमात्मा के भय विच है उहदे हुक्म विच है। पौन जिहड़ी हवा ना स्वास यह परमात्मा के हुक्म विच है। भैव चल है लख दरिया इस तरह सतगुरु जी उपदेश दे रहे भाई जिहड़ा दरिया है ना पानी वाले यह भी परमात्मा के भय विच चलते हैं। एक दिन भगत फरीद जी दरिया नूं सवाल करते हैं। हाँ दरिया बोलता नहीं ना वो कान ही एक सुनता हो सुन के गल तो मुर्ख जबान रसना जवाब दे दे। हम भगत जी को पता सारी गल का इन्हें नहीं पता। भगत कबीर जी को ज्ञान फरीद जी को ज्ञान है पर सानू समझाने वास्ते वह कहते कंधी वह ना ताहे तो भी लिखा देवना कंधी वह ना ताहे तो भी लिखा देवना। है दरिया तू जदों कंडिया तो बहर हो जाना ना मतलब जो हड़ हड़ का रूप धार लेना उदो तू बड़े रुख फसल तबाह कर दिना कई पिंड तबाह कर देना जेडे कंडे थे तेरे ते तेन लेखा देना पैना ही। भगत फरीद जी कहते कंधी वह ना ढाहे तो भी लेखा देना है जो नष्ट कर देना तू किन्ने बिरछ पुट दिना वे किन्ने जिया का घात कर दिना पिंड उजाड़ दिना फसल जाड़ दिना ते वेख ला तेन लेखा देना पैना। ते गाड़ी दरिया ने की जवाब दिता वह कहता वहन तदाऊ गौ कर क्योंकि जेड़ा मैं मेरे वहन है ना मैं आप नहीं करता। दरिया कहता मेरे वास्ते कोई गल नहीं यह तो परमात्मा की रजा में हाँ मैं उसके हुक्म में हाँ मैं एक इंच भी आसे पासे नहीं हो सकता यह भी परमात्मा के हुक्म भै में हाँ मैं आप नहीं कुछ भी करता। जे हड़ आते हैं तो मेरा मालिक ही हुक्म ही करता उ भेजता मैं नहीं कुछ ही करता। इस करके जे मैं मतलब दरिया के सीमित चलदा तो यह भी परमात्मा के हुक्म हाँ मेरा अपना नहीं कुछ भी है। इस तरह सतगुरु कहते भाई जे लखा दरिया है ना वो परमात्मा के भय में चल रहे हैं वो परमात्मा के भय तो बगैर नहीं है वो हुक्म में चल रहे हैं। इस तरह सतगुरु अगे बख्शिश करते हैं भय विच अगन कड़ा वेगार। इस तरह जी अग है यह भी परमात्मा के भय में हुक्म में है यह किन्ने कार्ज भी करती है जे कि कंट्रोल तो बहर हो जाए तो घर के तर साड़ भी दिंदी है। हर घर में गैस की अग है तो आ गैस में आप सारा भोजन तैयार करते सारे परिवार वास्ते लेकिन जे कि अग कंट्रोल तो बहर हो जाए तो फिर तबाही कर देगी पर परमात्मा के हुक्म है जे तबाही है तो हुक्म है। अग परमात्मा के हुक्म ही कार कर रही है जीवन की तो सदा वो परमात्मा के हुक्म भैर च रही है क्योंकि जिनी बनस्पति आ जिनी भी लकड़ी है ताडे तो घर भी ज्यादा लकड़ा दी इत हम लकड़ अग है तो ये भी परमात्मा के भय में ही है ना जी अग लकड़ साड़ दिंदी है वह लकड़ के बेच ही है तो फिर भी वह लकड़ साड़ नहीं रही बनस्पति साड़ नहीं रही। इस तरह क्योंकि परमात्मा के भय में हुक्म है बधी हुई है। इस तरह सतगुरु कहते भाई भय में अगन कढ़ा बेकार भय में धरती दबे भार। इस तरह जी धरती है ना यह भी परमात्मा के भय में है हुक्म है वो हुक्म दबी हुई है कहने भाव कि कंट्रोल किया है मेरे मालिक ने जितना कहते ना फलाने फलाना काम करता जरा वो दबा च आके किया किसी ने दबा च आके हम सब फर्ज कर लो किसी महकमे कोई काम करता होते कोई बेनिजमी काम करवाया जाए जरा निजमी च ना आता हो तो अफसर होने कहे भी आम करना वा उपरला अफसर कहे क्यों हर बंदा भय च है एक सिपाही थानेदार के भय च है थानेदार एस एस पी के भय च है एस एस पी उदो उपरले के भय च है सारे भय च ही है। इस तरह जो कोई मुलाजम उतले व्डे के भय करके कोई काम यह नष्ट कर दे तो दूसरा कहे भाई तू आम क्यों किया नष्ट किया तू ये निजम की उलंघना की है वह कहते भरा मेरे वास की गल नहीं ये मेरे से दबाव पा के कहने वह मेरे उत्तों हुक्म होया दबाव पिया उत्तर मेरे हुक्म आया मेरे उत्तों। इस तरह सतगुरु कहते भाई जी धरती है ना यह भी परमात्मा के हुक्म मतलब दबी हुई है परमात्मा के हुक्म चल रही है
क्योंकि किन्ने धरती के उत्ते पहाड़ आ ते किन्ने धरती के उत्ते ब्रिश आ ते किन्ने आपां जीवित फिर रहे हैं ते किन्ने मकान बने हुए आ तुहाडा लंडन किन्ना वड्डा किन्ने मकान बने किन्नी उत्ते मतलब भार पिया होया लेकिन ये परमात्मा दे पै विच है उहदे हुक्म विच है अपने आप नहीं वह भार नहीं चुक सकती क्योंकि पैदा परमात्मा ने की है इस करके परमात्मा के पै विच है पै विच इंद फिर सिर भार सतगुरु जो इंद्र है ना जो देवत्या का राजा है इंद्र सतगुरु वह भी सतगुरु परमात्मा के पै विच है इसे तरह बदल रूप जो आन के वरदा ना तो वह सिर पन्ने आता है सतगुरु कहते हैं पै विच इंद फिर सिर भार जो सिर भार फिर संसार से अपना जो मीह पाँगा बदल बदल रूप होके सिर परने होके पाँगा है यह भी परमात्मा के हुक्म है परमात्मा के पै विच है हुण तुहाडा मौसम ही इहो जिहा तुहाडे देश का पता नहीं जो मर्जी बदल आ जाने तुम तो बहर सैर कर जाओ तो तुम नाल छतरी खरनी पैंदी है बाइक पता कदों आ जाना मीह बदल कदों आ जाने आपां तो किसे नूं पता नहीं ना क्योंकि परमात्मा के हुक्म पै विच है ये जिहड़े बदल है ना मीह भी परमात्मा के पै विच पाउंदे हन इसे तरह पै विच ही वह विचरदे हन पै विच राजा धर्म द्वार सतगुरु दे इसे तरह जिहड़ा धर्म राजा हन वह भी परमात्मा के पै विच हन असीं जिन्ने भी जीव जंतु हां ना सारे उस धर्म राजे के पै विच हाँ जमा के पै विच हाँ लेकिन जिहड़ा धर्म राजा है वह भी परमात्मा के पै विच है क्योंकि सतगुरु का पावन बचन गुरबाणी च आउंदा कि सुन के जम के दूत ना तेरा छड जाए परमात्मा का जो नाम है ना उस इन्नी शक्ति है कि जेडे जम दूत आ ना वह तो परमात्मा का नाम सुन के ही छड जाते जीव जेड़ा प्राणी परमात्मा का नाम जपता हो ते उहदा अंत का समा हो जमदूत लैन आउंदे आ आके वेखदे आ ना जो भी परमात्मा ना जपण डे पे छड के भज जांदे आ सुन के जम के दूत ना तेरा छड जाए तेरा नाम सुन के छड के भज जांदे आ इत्थों तक भी सतगुरां दा पावन बचन है कि धर्म राजे ने धर्मराज ने अपने जम दूतां नूं इह समझाया होया कि भाई ताड़ना कीती हुई है सख्त अदायत दिती हुई है कि तुम जिथे परमात्मा की सिलसिला होंगी होगत होंगी परमात्मा का नाम जपते हो भुल के भी ना चले जाए कि जे तुम भुल के भी चले गए ना जिथे परमात्मा का गुण गैन हुंदा होवे गुरबाणी पढ़ी जाती हो कीर्तन हुंदा होवे कथा हुंदी होवे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी होवे जां हजूरी तो बगैर भी गुरु के प्यारे संत रूप च बाणी पढ़ते होणगे ते धर्म राजा कहते भुल किवें चल जाए उत्थे जीव नूं लैण वास्ते जे उन्हां च कोई कदा बैठा होया ना जिहदी जिहदा समां मुक गया ते संत च बैठा होया बाणी पढ़दा होया ते भुल के उहनूं हथ ना पाए कितें जे कि तुसीं हथ पा लिया ना उहनूं ते ना बंधे तुसीं छुट्टोगे ना मैं छुट्टांगा आपां ते जीवां नूं बंधदे आ ना ते आपां नूं बन्नण वाला हैगा उत्ते धर्म राजा कहिंदा आपां नूं बन्नण वाला हैगा मालक बंधे छुट्टांगे नहीं जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हां ना तू मह छुटा न जाइयो दूत हे जम दूतो कते वेखो भुलेखे ना भुल किवें चले जायो ना तुसीं बंधे छुट्टोगे ना मैं बंधा छुट्टांगा इस करके सतगुरु जी इत्थे कह रहे हैं कि जिहड़ा धर्म राजा है ना वह भी परमात्मा के पै विच है उहदे हुक्म विच है पै विच राजा धर्म द्वार पैव सूरज पैव चंद इसे तो सतगुरु जो सूरज है ना वह भी परमात्मा के पै विच है उहदे हुक्म विच है हुण वेखो आपां सारे कारोबार तुसीं कारोबार करन वाले वेहले हैं ते तुसीं जदों काम ते जांदे हो टाइम टेबल है ना तुहाडा जे दो मिनट तुसीं कितें लेट हो जाओ ते उह गेट बंद कर दिंदे आ फैक्ट्रियां वाले काम कारोबार वाले वी जा भी तूं लेट आया हर बंदा भावें किन्ना निजी विच परिपक्व होवे पर कितें ना कितें कताई हो जांदी है बंदा किसे वेले थक्का टुट्टा जाग ना आई लेट हो गया पर आपां जिहड़ा नता नता प्रति काम करदे आ ना
ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਨੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਪਿਆ ਨੀ? ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਹੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੰਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, 84 ਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ ਅਥਵਾ ਬੁੱਧ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਬਲ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਹਨ, ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 1976-77 ਦੀ ਹੈ,
इमामपुर खाना कलकत्ते जाए, उत्थों दे सिंघा ने दस्या कि इत्थे दी जिहड़ी जनसंख्या इन्नी है कि इत्थे दी जिहड़ी नेता प्रति मौत हुंदी है जिहड़े रजिस्ट्रेशन हुंदी है जिहड़ी नाम दर्ज हुंदे जे मौत दा हुंदा ना सर्टिफिकेट बणदे आ आंदे इत्थे 1000 बंदे दी मौत हुंदी है कलकत्ते दे शहर विच कल्ले इक दिन विच 24 घंटे विच कल्ले कलकत्ते विच इन्नी उत्थे मतलब जनसंख्या बहुत तगड़ा शहर आ ते बड़ा मतलब भीड़ भड़के वाला शहर आ। वो कहिंदे जे 1000 बंदे दी मौत हुंदी है ते 1100 बच्चे जन्म लेंदे आ पर उत्थे कलकत्ते दी धरती विच कलकत्ते कल्ले शहर विच सारे हिंदुस्तान च किन्ने बच्चे पैदा होंदे होणगे रोजाना ते किन्ने दी मौत हुंदी होवेगी। ते साडा अमृतसर शहर चलो छोटा ही है उहदे विच 2 शमशान घाट हन ते कदे संस्कार करन ते जाना पैंदा जाइए ते वेखी ते किन्नी चिता बल रही होंदियां मतलब घट तों घट साडे उत्थे 2 शमशान घाट आ अमृतसर दे विच जिहड़े मेन आ वड्डे आ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ 8-10-12 ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਿਲਾ ਵੀ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀਵ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਲਿਖ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੱਤ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਐ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸਦੀਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਲ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪਾ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਾ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਸਲੀ ਤਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਪੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਆ
एक पत्रा भी कोई मतलब परमात्मा के हुक्म है ते आपां ते जी परमात्मा दे पैदा कीते हम सचेत हां आपां परमात्मा ने सानूं बुद्धि दित्ती है सोचण शक्ति दित्ती है ते किन्नी साडे किन्नी अहमियत होवेगी कि असीं उतरां तुरे फिरेंगे अपनी मर्जी उतरे फिरदे होवांगे आपां वी परमात्मा दे भै विच हां उहदे हुक्म विच ही हां जो अहीं कर्म करदे हां अहीं अपने कीते हुए कर्मां दे अनुसार साडे कोल परमात्मा कर्म करवा रहा है पर आपां परमात्मा अगे गुरु अगे बेनती करिए सतगुरु जी साडे कर्मां वल ना देखियो लेखे कितन छुपे खिन खिन भुलहा अहीं खिन खिन भुलण वाले हां बख्शन हारा बख्श लाए नानक पार होता सतगुरु जी आप बख्शन वाले हो सानू बख्श लवो सानू सोझी बख्श देवो अहीं तुहाडे भै विच रह के तुहाडे हुक्म च रह के अपना जीवन बसर कर सकीए तो जेड़े गुरु के भै च आ जाएंगे फिर सतगुरु कृपा करेंगे मैं कल भी पंक्ति पढ़ के दस जिन्ना पाओ तिन्ना ना ही पाओ जिन्हों परमात्मा का भय है उन्होंने बाकी सारे भय जमा का भय संसार का भय दुखा का भय बौध का भय सब खत्म हो जाएंगे फिर जरा केवल एक निर्भाओ का भय रख लवे जेड़ा भय तो रहत करने वाला है सतगुरु कृपा करे ते सतगुरु दा पावन जिहड़ा उपदेश है साडे हिरदे च वज जावे ते साडा मनुखा जीवन जिहड़ा सफल हो सके इन्नियां बेनतियां आपने प्रवान करनियां इक नहीं अनेकां भुलां होईयां होणगीआं आप संगत ते सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब बारे बख्शन हारा हां भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार वह तां परमात्मा तो गुरु तो बगैर सारे ही भुलण हार हां पर मैं ज्यादा ਭੁਲੱਕੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰੂਪ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਭੈਣ ਚ ਰੱਖਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ